गाइस, तो आज मैं आपको एक ऐसी वॉल हैंगिंग बनाना सिखाऊंगी जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बनाने सिखाई है बहुत सारी वॉल हैंगिंग। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कार्डबोर्ड लेना है, कुछ शीट्स लेनी है रेनबो कलर की। ओके, तो इसके ऊपर हमें ना एक क्लाउड ड्रॉ करना है, तो मैं बना लेती हूँ। तो मैंने बना रही है, मैं जल्दी से कट कर लेती। अब ये बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग लग रहा है, मगर हम इसको बहुत प्यारा बनाने वाले हैं। तो इसके ऊपर सबसे पहले तो हमें एक ग्लू स्टिक लेनी है एंड उसको पूरा स्प्रेड कर देना है इसके ऊपर, जैसे मैं आप कर रही हूँ। कोई सी भी ग्लू स्टिक लेना आप। एंड गाइस, प्लीज़ हमारे चैनल की बहुत लो सब्सक्राइबर्स हैं, कम सब्सक्राइबर्स हैं, तो प्लीज़ अगर आप न्यू हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ कर दिएगा, क्योंकि हमें सिर्फ 50 सब्सक्राइबर्स हैं। ओके, एंड फिर ना मैंने यहाँ पे कॉटन लिया, इसको थोड़ा सा हम स्ट्रेच कर लेंगे, फ्लफी हो जाएगी इससे। अब हम ना आहिस्ता आहिस्ता से इसको लगाना शुरू करेंगे अपने, क्या कहते हैं इसको, क्लाउड में बनाया है, कह रही हूँ क्या कहते हैं। अब मैं जल्दी से इसको फिल करके मिलती हूँ आप। ओके, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपने पूरे क्लाउड पर वो कॉटन लगा दिए, तो थोड़ा ना क्लाउडी लुक देगा। अब मैं यहाँ पर रेनबो थीम मैं कर रही हूँ, आप कोई से भी थीम कर सकते हैं। अब हमें इसको पूरा यहाँ से रहते यहाँ तक इसको कट करना है, मैं जल्दी से कर लेती हूँ, इसकी स्ट्रिप्स बना लेती हूँ। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रिप्स बनाई हैं। अब आप जितनी स्ट्रिप्स चाह सकते हैं उतने स्ट्रिप्स बना सकते हैं। ओके, तो अब ना मैं इसको कट करूँगी हाफ में, पूरी हमें मतलब दोनों पर ऐसे ही करना है। तो मैं दूसरी वाली पर भी कर लेती हूँ। ओके, देख सकते हैं आप लोग, अब जो है हमें ग्लू लेनी है। गेट अवे फ्रॉम हियर, यहाँ पे इसके एंड पे लगानी है, फिर एंड पोर्शन से इसको स्टिक करना है। तो मैं साइड को चेन ऐसा बना सकते हैं, मैं आपको चेन बना रही हूँ मैं यहाँ पर, जैसे कि आपको देख सकते हैं आप लोग। ओके, ऐसे हमें बहुत सारी चेन बनानी है, आप जितनी भी चाह सकते हैं चेन्स रेट की। अगर आपको लॉन्ग बनाने हैं तो आपको 4 to 5 स्ट्रिप्स लेनी पड़ेगी। मैं जल्दी से बना लेती हूँ। देखिए मैंने रेड की चेन बना दी है, और बस ये लास्ट है, कुछ इस तरह से इसको इंसर्ट करना है एंड देन पुल आउट उसको, फिर ना हमें स्टिक कर देना है। ओके, इसके एंड ऑफ दी साइड में लगानी है ग्लू, फिर आप इसको ऐसे स्टिक कर देंगे और ये हमारी चेन बनती जाएगी। देख सकते हैं मैंने इतनी बड़ी चेन बना ली है। और आप जितने भी कलर्स की चेन बनाए ना, तो फिर ये ज़रूर याद रखिएगा कि आपको पहले काउंट करनी है आपने इसमें कितनी चेन बनाई है, उसके बाद आप फिर बनाइएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ना ऊंचा नीचा बन जाएगा। ओके, देख सकते हैं ये, अब ना मैं इसको पीछे करती हूँ। फिर हमें कोई सा भी थ्रेड लेना है एंड इसको आप जितना चाहे उतना कट करें, मैं बहुत छोटा सा कट करूँगी। एंड देन फिर ना हमें इसको यहाँ पे इसके इससे स्टिक कर देना है, मैं जल्दी से कर लेती हूँ। देखें, अब मैंने यहाँ पे स्टिक कर लिया इसको, फिर मैं इसको ऊपर से ऐसे स्टिक कर दूँगी कि किसी को पता नहीं लगे कि मैंने थ्रेड लगाया है। ये देखें, पहले हम इधर इसको रखेंगे, फिर हम थ्रेड से इसको ऐसे लगा देंगे। ऐसे ही हमें सारे कलर्स बनाने हैं, तो मैं जल्दी से बनाती हूँ। ये देखें, मैं यहाँ पर ये येलो वाला बना रही हूँ। येलो वाले पे ना ग्लू स्टिक नहीं हो रही थी येलो शीट पर, तो फिर मैंने यहाँ पर टेप लिया है। मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 बना ली है। अब मुझे थोड़े और बनाने, क्योंकि मैंने जो रेड वाला इस्तेमाल कराया था ना, उसके अंदर मैंने 10 बनाए थे। फिर मेरी चैन रेडी हो गई है। अब मैं ना इसके साथ, जैसे मैंने इसके साथ करा था, वैसे ही इसके साथ करेंगे। अब हमें जो है थ्रेड लेनी है, वो इधर लगानी है, फिर हमें उसके ऊपर से टेप स्टिक करना है। मैंने आप अब ना हम बनाएंगे ऑरेंज कलर की। तो जब ये देखें, मैंने ऑरेंज भी बना लिया। मेरा ऑरेंज कलर आपको थोड़ा पीचेस टाइप लग रहा होगा, ये देखें। और उसके बाद मैं बाकी कलर्स भी बना लेती हूँ। ये देखें, मैंने ग्रीन भी बना दिया है। अब मैं बनाऊंगी ब्लू। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ब्लू बना लिया। अब मैं यहाँ पे पर्पल बना, अब हमने यहाँ पे एक वॉल हैंगिंग बना देना है। तो हमारा वॉल हैंगिंग बन गया है, ये देखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।